हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक इमरजेंसी लाइट बनाना, तो ये किस प्रकार से बनती है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका एक एक प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक रिले ले लेनी है 12 वोल्ट की, जो कि आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की है। रिले के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक रिले का सर्किट है। इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो, ये जो रिले है इसके अंदर यहाँ पे 3 लेग्स आपको दिखाई दे रही होगी। जो बीच वाली लेग है वो मूवेबल कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पे एक ये वाली और एक ये वाली जो लेग आपको दिखाई दे रही होगी, ये कोयल टर्मिनल है। यानी इन दोनों के बीच में एक कोयल लगी हुई है, जैसा कि ट्रांसफार्मर में लगी होती है कोयल, उसी प्रकार से इसमें भी कोयल लगी हुई है। और एक आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये वाली लेग और एक ये वाली लेग है। यहाँ पे ये जो आप लेग देख रहे हो, ये है नॉर्मली ओपन और ये है नॉर्मली क्लोज। यानी कि इसमें आपको मैं आगे बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ये वाली लेग और एक ये वाली लेग, तो यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक एक कोयल लगी हुई है, और ये वाला जो पॉइंट है इसमें मैंने यहाँ पे बताया है, और ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी नॉर्मली क्लोज है, ठीक है, यानी यहाँ पे ओके। और जैसे ही हम इसके अंदर कुछ बैटरी से वोल्टेज देंगे तो ये रिले वर्किंग करेगी, और यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया मूवेबल कॉन्टेक्ट, तो ये जो कॉमन पॉइंट है मूवेबल कॉन्टेक्ट, यहाँ पे इसके टच होगा, यानी ये एक स्विच का वर्किंग करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग सर्किट में अलग अलग प्रकार की रिले वर्किंग करती है, और दूसरा कि एम्पियर का भी फ़र्क पड़ता है उसमें। तो यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की रिले ले रहा हूँ, कई सर्किट में 5 वोल्ट का रिले भी काम में आता है और किसी में 12 वोल्ट का। तो इस सर्किट में जो हम काम में ले रहे हैं, ये 12 वोल्ट का रिले काम में लेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। आगे मैं इसका सर्किट डायग्राम भी आपको बताऊँगा, तो चलिए पहले इसको थोड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दो लेग आपको दिखाई दे रही होगी, इनको डायरेक्ट करना है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट हो चुकी है। जो एक मूवेबल कॉन्टेक्ट जो मैंने आपको बताया था, कोयल वाली और साइड वाली एक लेग, अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए, आपको मैं एक एक चीज़ बिल्कुल पास में से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कुछ भी ना छूटे। और ये इमरजेंसी लाइट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा बनाना। तो चलिए दोस्तों, आगे अब हम एक डायोड लेंगे इस प्रकार से, और इसका जो एनोड है इसको हम जो कोयल की दूसरी वाली लेग है उस पर जोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब आगे यहाँ पे अब ये देखिए, हम 12 वोल्ट चार्जर लगाएंगे, 1 एम्पियर का 12 वोल्ट एडप्टर कह दो चाहे दो। तो यहाँ पे इसका जो माइनस वाला पॉइंट है हम इस जगह यहाँ पे जोड़ेंगे इस लेग पे। आप चाहे तो बीच वाली लेग पे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये दोनों कॉमन हो चुकी है। तो ये हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। इसके बाद में जो प्लस वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद में हम बैटरी के वायर ले लेते हैं। तो जैसा कि ये माइनस वाला वायर है, तो हम इसको बीच वाली लेग पे जोड़ देते हैं, चाहे तो आप इस पे भी जोड़ सकते हो क्योंकि ये कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, अब हम प्लस वाला जो वायर है उसको यहाँ पे जोड़ेंगे, जो कि बैटरी का है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, कि जो बैटरी हम लेंगे वो 12 वोल्ट और 7.2 एम्पियर की मैं ले रहा हूँ। आप चाहे तो 12 वोल्ट और 3 से लेके
जितने आप एम्पियर ज़्यादा लोगे यानी 7.2 तक, तो उसका बैकअप भी अच्छा रहेगा, और कम आप एम्पियर लेते हो तो बैकअप थोड़ा कम रहेगा। यानी लाइट जाने के बाद में जो इमरजेंसी लाइट जलेगी उसके बैकअप की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 7.2 एम्पियर की ही लूँगा बैटरी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे मैं ये देखिए, मैंने ये जो बैटरी के वायर है ये जोड़ दिए हैं, और ये जो एडाप्टर के वायर है ये मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब इसमें सिर्फ दो वायरिंग और बची है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक ये जो सर्किट मैंने बनाया है ये देखिए, इसको बनाने में मेरे को थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी थी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो कि अभी इसके अंदर बनाया है सेम वैसा का वैसा, आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है नॉर्मली ओपन हो गया है, ये नॉर्मली क्लोज हो गया, ये मूवेबल कॉन्टेक्ट हो गया, और ये मैंने इसको बिल्कुल जंपर लगा के, एक वायर लगा के और इसको कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये, और ये जो वायर है आप देख सकते हैं, ये एक कोयल का काम करती है, यानी इनके बीच में कोयल है जैसा कि एक ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे ये जो 12 वोल्ट का एडाप्टर है उसका माइनस वाला वायर इस पे कनेक्ट है और प्लस वाला वायर इस पे कनेक्ट है। और यहाँ पे एक डायोड मैंने लगाया है, इसका जो ये एनोड है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और जो कैथोड है इसका ये इस साइड में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, और इसका जो प्लस वाला हिस्सा है यहाँ पे मैंने ये वायर दिया है, और माइनस का ये यहाँ पे दिया है। अब हमें सिर्फ दो वायरिंग और करनी है सर्किट में, तो ये कहाँ कहाँ करनी है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, प्लस का एक वायर मैंने यहाँ पे दिया है और एक माइनस का वायर यहाँ पे लिया है। तो ये प्लस और माइनस पे एक मैंने LED स्ट्रिप लगा दी है 12 वोल्ट की। तो चलिए ये किस प्रकार से इसमें कनेक्ट होगी जैसा कि मैंने सर्किट डायग्राम में बताया, तो आप भी ये देखिए आगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक LED से स्ट्रिप जोड़ूंगा, ये देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो LED स्ट्रिप है ये आप देख सकते हैं, मैंने ये LED स्ट्रिप ली है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है करीबन। ये अलग अलग क्वालिटी की होती है, तो ये आपको आसानी से 40-35 रुपए से लेके और 60-70 रुपए तक मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको मैंने जो प्लस वाला इसका जो पॉइंट है ये मैं इसको यहाँ पे जोड़ूँगा, अभी तो मैं इसको बिल्कुल पास पास में बता रहा हूँ। आप जो LED स्ट्रिप है इसके वायर बढ़ा के जहाँ आपको यूज़ करना है वहाँ कर सकते हैं, या फिर आप सर्किट के साथ भी इसको जहाँ पे ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाके, और बाकी जो बैटरी के वायर है वो बढ़ा सकते हैं, और ये जो पूरा सर्किट है वो वहाँ पे चला जाएगा। जैसे ऊपर लगाना है तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं, या जहाँ पे आपको लगाना है तो पूरा सर्किट चला जाएगा, और बैटरी के जो वायर है वो रहेंगे, और जो एडाप्टर है वो जहाँ पे आपको रखना है वहाँ एडाप्टर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ लाइट की व्यवस्था तो होगी होगी या आपको रखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी जो माइनस वाला है वो ये नॉर्मली क्लोज पे मैं रखूँगा, यानी जैसे ही लाइट जाए तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इसको कर दिया है पूरा। अब ये जो इस सर्किट का जो काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आपको आगे मैं का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। ये मैंने एक एडाप्टर लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लस वाला है वो मैंने प्लस पे लगा दिया है एडाप्टर के वायर को, और ये जो माइनस वाला है इसको माइनस पे लगा दिया है। ओके, आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस जगह लगाया है, एक यहाँ पे वायर लगा रखा है मैंने माइनस का और ये प्लस का, ठीक है एडाप्टर का। और अब मैं बैटरी को जोड़ूंगा इसमें। दोस्तों ये एक बैटरी मैंने ली है यहाँ, ठीक है। और अब मैं
इसको आपको थोड़ा सा कैमरे को मैं थोड़ा ऊपर करके आपको बता देता हूँ सारा ऐसे, क्योंकि ये बिल्कुल पास में हो गया तो सब कुछ दिखेगा नहीं। तो चलिए एक बार मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं एडेप्टर लगा देता हूँ, जो चार्जर है, जो हमने 12 वोल्ट का एडेप्टर लिया है, चार्जर लिया है 1 एम्पियर का, वो मैं इसमें लगा देता हूँ यहाँ लाइट में। आप देख सकते हैं ये एक बार लाइट हल्की सी जल के बंद हुई है, यानी रिले वर्किंग किया है। दोस्तों जो अभी रिले है वो नॉर्मली ओपन के ऊपर है, तो अब मैं जो बैटरी के वायर है माइनस का माइनस के ऊपर और प्लस का प्लस पे लगा दूंगा बैटरी में। जो हमने 12 वोल्ट की बैटरी ली है ये लीजिए, यहाँ पे मैंने रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक लगा दिया है। ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से दिख रहा है। वैसे मैंने कैमरे को ऊपर कर दिया है, और ये जो लाइट स्ट्रिप ली है मैंने ये भी काफ़ी बड़ी है, तो अच्छे से प्रकाश देगा ये पूरे हॉल के अंदर या रूम के अंदर। तो जैसे ही अब मैं ऐसे मान लीजिए दोस्तों कि ये स्विच है लाइट का, या तो मैं एडेप्टर को एक बार हटा के आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने एडेप्टर को अभी हटाया, ठीक है, जैसे ही मैंने एडेप्टर को हटाया और यहाँ पे ये लाइट जल गई है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने एडेप्टर को हटाया तो इसका मतलब आप ये समझिए कि लाइट चली गई है, बिजली चली गई है घर की, और ये इमरजेंसी लाइट बैटरी से ऑटोमेटिकली चालू हो गई है। अभी जो रिले है वो नॉर्मली ओपन के ऊपर आ चुका है, और जैसे ही मैंने ये एडप्टर हटाया और टक से आवाज़ इस रिले में आती है, और जैसे मैं इस एडप्टर को इसमें वापस से लाइट में लगा दूंगा और टक की आवाज़ के साथ ये जो लाइट है वो बंद हो जाती है, क्योंकि इसको पावर मिल चुका है। और इसका मतलब ये हुआ कि लाइट आ चुकी है, बिजली आ चुकी है, और ये जो सर्किट है, जो रिले का जो सर्किट बना हुआ है, ये वर्किंग कर रहा है और ये नॉर्मली क्लोज पे आ चुका है, जिससे ये लाइट बंद हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ ये किस प्रकार से हो रखा है। यहाँ जैसे मैं एडप्टर को अब की बार नहीं हटाऊँगा, ये जो लाइट आ रही है इसमें, यहाँ पे इस स्विच को मैं बंद करता हूँ। जैसे ही मैं स्विच बंद करता हूँ 1 से 2 सेकंड के बाद में, क्योंकि रिले वर्किंग करता है तो उसका स्विच नॉर्मली ओपन से क्लोज की तरफ आता है वो स्विच, और धीरे से 1 से 2 सेकंड के अंदर ये लाइट जल जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल सोकिल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही अगर आप इसका बेल आइकन भी दबा देंगे तो उससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा हमारे इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। इसी के साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।